24 नवंबर को यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा छिड़ गई। नाराज भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस पर जमकर पथराव किया। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। इस घटना में चार लोगों की मौत की खबर भी है। घटना के बाद दो सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग कैसे पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वीडियो देखकर शायद आप इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि ये हिंसा पूरी तरह से प्लानिंग के तहत की गई। जिस सीसीटीवी की बात हम कर रहे हैं ये हिंसा के दौरान की वीडियो है। इस वीडियो में आप कुछ युवकों को खड़े देख सकते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक शख्स आता है। इस शख्स की नज़र पहले कैमरे की तरफ जाती है, फिर वो अपने साथी को इशारों में कुछ बताता है, फिर सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा करता है और फिर कुछ ही देर में ये युवक कैमरे को ईंट मारकर तोड़ देते हैं, जिससे इनकी पहचान की किसी भी दशा में कोई गुंजाइश ना रह जाए। एक दूसरे व्यक्ति को डंडे से दूसरे सीसीटीवी को तोड़ता हुआ भी देखा जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना, आरोपी कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ ही देता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैमरा तो टूट गया, लेकिन इससे पहले जो फुटेज रिकॉर्ड हुए वो उपद्रवियों के गले की फांस बन गई। ज्यादातर उपद्रवियों ने नकाब लगाकर चेहरा ढक रखा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कैमरा तोड़ रहे एक आरोपी का चेहरा कैद हो गया। पुलिस ने अब ये वीडियो सार्वजनिक किया है और लोगों से अपील की है कि हमलावरों की पहचान बताने में पुलिस की हर संभव मदद करे। इस मामले पर फिलहाल पुलिस का एक्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के फोटो भी जारी किए हैं। पुलिस की तरफ से जेल भेजे गए दंगाइयों के फोटो जारी किए गए हैं। 21 दंगाइयों को दो दिन पहले ही जेल भेजा गया था। ताजा हालातों की बात करें तो हिंसा के दो दिन बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। स्कूल फिर से खुल रहे हैं और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचने वाली कई दुकानें फिर से खुल गई हैं। हालांकि इस दौरान तमाम एहतियात बरती जा रही है।